हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अस्थमा में डाइट का रखें ध्यान के बारे में। क्या डाइट का ध्यान रखकर अस्थमा के अटैक से बचा जा सकता है? इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जिसका समय रहते इलाज ना किया जाए तो यह कई दिक्कतें पैदा कर सकता है। अस्थमा में यदि उचित डाइट का ध्यान रखा जाए तो अस्थमा के अटैक को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अस्थमा से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना चाहिए। गहरे रंग वाले फल व सब्जियां खाएं और कच्चे प्याज का सेवन करें। अस्थमा में इन्हें करें डाइट में शामिल। नंबर एक, शहद। शहद अस्थमा में होने वाले बलगम व कफ को दूर कर देता है। एक गिलास गुनगुने पानी में शहद डालकर रोजाना 3 बार पीने से अस्थमा में आराम आ जाता है। नंबर दो, लहसुन। अदरक की गर्म चाय में लहसुन की 2 कलियां मिलाकर सुबह शाम पीने से अस्थमा में आराम मिलता है और इन कलियों को दूध में उबालकर रोजाना पीने से भी राहत मिलती है। नंबर तीन, हरी सब्जियां। अस्थमा के मरीजों को ताजा फलों व जहां तक हो सके खाना आराम से धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। ताजा फल व अंकुरित चने को डाइट में शामिल करना चाहिए। नंबर चार, अंजीर। सूखे अंजीर का उपयोग करना चाहिए। अंजीर गले में कफ जमने से रोकता है और सांस नली में जमा बलगम बाहर निकाल देता है। नंबर पाँच, केला। पके केले में काली मिर्च मिलाकर खाने से भी अस्थमा में फायदा होता है। नंबर छह, मेथी। अस्थमा के मरीजों को मेथी दाना खाने से आराम मिलता है। आप मेथी की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। नंबर सात, करेला। करेला अस्थमा के लिए रामबाण दवा है। करेले के रस में शहद और तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर पीने से फायदा होता है। करेले की सब्जी बनाकर भी खाया जा सकता है। अस्थमा में ठंड के मौसम में करेले का सेवन ज्यादा करें। नंबर आठ, अजवाइन। अस्थमा में अजवाइन के रस की भाप लेने से भी राहत मिलती है। खाना खाने के बाद पानी के साथ अजवाइन सुबह शाम लें। फ्रेंड्स, अगर आप इन चीजों को डाइट में शामिल करेंगे तो अस्थमा से बचाव हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।